पत्थर जिसके नीचे दो छोटे पत्थर है वो ऊपर है, वो जिसके नीचे दो छोटे पत्थर ऊपर बड़ा पत्थर पहाड़ के दरमियान है, वो देखना साहब वो वाला, वो बड़ा पत्थर जिसके नीचे दो छोटे पत्थर है, हाँ वो पहाड़ी के दरमियान वाला। अभी हम फिर वापसी पे आएंगे, ये पुराना किला है जिस जगह पे काफरों की आबादियां थी। ये जो कच्ची दीवार नजर आ रही है आपको, इस तरह देखें, ये जो कच्ची दीवार, यहाँ पे वो काफरों की आबादियां थी, यहाँ पे उनके तीन बड़े कबीले थे, ये उनका पुराना किला है। किले का मालूम है ना, ये पुराना किला है इस तरफ, इस जगह पे वो काफरों की आबादियां थी और हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते हाजिर हुए और कहा, आका अगर आप हुक्म दें तो ये पहाड़ियां हम ऐसे मिला देंगे, ये लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे चक्की में दाने पिस जाते हैं। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, मुझे अल्लाह पाक ने रहमत वाला बनाकर भेजा है। हमारे प्यारे आका की ये पुराना ताइफ है, ये सभी पुराना ताइफ है, ये जितना भी देख रहे हो ना, ये सभी पुराना ताइफ है। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने पत्थर मारे और अल्लाह की तरफ से फरिश्ते नाजिल हुए और कहा, हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ियों को हम मिला देंगे, ये लोग ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की में दाने पिस जाते हैं। बोलची এই ডান দিকে যে পাহাড়টা আছে আর বাঁ দিকে যে পাহাড়টা আছে, তো হজরতে জিয়া সাল্লাম সাথে করে পাহাড়ে ফরমালাইকা ফেরেশতাকে নিয়ে এসে বললেন যে আপনি যদি হুকুম দেন তাহলে এই দুটো পাহাড় একসঙ্গে পিষে দেবো, পিষে আটা করে ফেলবো। কথা বুঝতে হয়েছে, এই বাঁ দিকে এই যে পাথরগুলো আছে এই পাথর খুঁজে পাশে সব করে গড়িয়ে গড়িয়ে যেটা এসছে আল্লাহর হুকুমের উপরে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তবে হম আপনাকে দিখায়েঙ্গে জিস জগহ পে হযরত আলী নে আজান দি ওয়াহ পে মসজিদ বানা দি, মসজিদ আলী, जिस जगह पे हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था वो आपने मस्जिद देख ली, मस्जिद रसूल काले पत्थर की। जिंदगी है और दोबारा आना मुश्किल है।